बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीरा यूसुफ। मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि झटपट रेडी हो जाती है और ये गर्मी से भी बचाती है। चले तो फिर हम देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जिसमें हमें चाहिए 2 से 3 चमचे सिरका, 1 प्याली चीनी और 1/2 टीस्पून हमें कुटी मिर्चें चाहिए, 1 चुटकी नमक, 1 चमचा भर के कलौंजी, 2 से 3 हरी इलायची और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। चार से पांच कैरियों को लेके मैंने इन्हें अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैंने इन्हें क्यूब की शक्ल में काट लिया है और एक पैन में मैंने उन्हें डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। 4 से 5 कप मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी मिर्चें, नमक, कलौंजी, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, और 2 से 3 इलायची। और अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स रह गए उसमें हमारा सिरका और भुना हुआ ज़ीरा रह गया, जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे और अब इसे हम चूल्हे के ऊपर पकने देंगे। ये देखें, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और शुगर मेल्ट हो गई है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चटनी रेडी हुई है। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल जो है वो गाढ़ी सी हो जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा। और साथ में ऐड करूँगी सिरका। सिरका डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो फिर आप इसे फ्रिज में काफ़ी अर्से रख सकते हैं। और ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त चटनी रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। करने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।